कोरोना से संबंधित आप अपना कोई उपाय या सुझाव हमारे चैनल हापुड़ हलचल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो अपना वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें 9045203788791679847। अभी हम हापुड़ के महेशपुरी मोहल्ले में हैं, तो बाबूजी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है इस टाइम भारत बंद है और सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी सामग्री के लिए बाजार खुला रहता है, तो इसके दौरान आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कत चल रही है सामान वगैरह को लेकर? ना कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये है कि भाई गरीब आदमी है, उनके लिए उनके पास पैसा नहीं है, कमाने के लिए रोजाना जाता है और रोजाना आकर के खाता है, उसमें भी परेशानी होती है। उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी जी ने गरीब आदमियों के लिए अकाउंट में 1000 रुपये RTGS करने का दावा किया है और वो भेज भी रहे हैं गरीब आदमी के लिए, और जगह जगह केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा गरीब आदमी को खाना भी वितरित किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद में जो आप बाहर से आकर कमा रहा है उसके बाद में यहाँ खाता ही नहीं है, तो उसके बाद में यहाँ कहाँ से जाएगा? खाता तो जब ही आएगा जब उसके पास में यदि गांव में होगा या शहर में होगा, कहीं उसका मकान होगा, खाता उसके पास में होगा तो उसके पास में तो आएगा, लेकिन जिसके पास में है ही नहीं, जो कि बाहर से आया हुआ है, उसके पास में कहां से आएगा? उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, जैसा कि आप बोल रहे हैं किसी का मकान में रह रहा है या खाता नहीं है, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के ये अपनी मतलब सहयोग कर रही है इस चीज में? अभी तक तो कोई सहयोग नहीं, कोई सहयोग नहीं मिला। और आप भी अब जो परीक्षा ले रहे हैं, आप ही आए पहली बार, अभी तक यहाँ कोई ऐसा आदमी भी नहीं आया, जो आपत्ति और दिक्कत पड़ रही है लोगों का, वो भी सरकार अच्छा सोच रही है, वैसे ये कोई दो राय नहीं है इसमें, पर दिक्कत ये पड़ रही है कि मैं जो रोड पर लाने खाने वाला है वो आज इस वक्त फाके से धारा बहुत सा आदमी, जो मेन आदमी जो बीच के दर्जे का आदमी है उसका ठीक चल रहा मामला, अपना कर रहा टाइम पास, और उसका दिक्कत जाती दिखाई दे रही है जो रोड पर शाम को लाने आदमी है, दिक्कत उसकी आई। हम अपने हापुड़ हलचल चैनल के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं कवरेज, आप जैसे कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर हम आप सबकी परेशानी जान रहे हैं, जिससे कि उन परेशानियों का कुछ हल निकल सके, इसीलिए हम जा रहे हैं। नहीं, वो आपकी बात बहुत अच्छी है, आप जानकारी ले रहे हो, इस जानकारी का आप तजुर्बा कर रहे हो, तो भाई लोगों की बस यही समस्या है कि थोड़ा सा समय जैसे खोलने का दिया, इसमें कोई अच्छा नहीं है, जो टाइम दिया है 10 बजे तक का, थोड़ा सा और टाइम बढ़ जाए तो 11 बजे तक सभी बढ़ जाए, एकदम दिक्कत पड़ती है ना, तो जैसे एक लोग टूट के पड़ते हैं तो वहाँ भी तो एकदम आदमी इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे से भी तो फर्क पड़ेगा, अगर थोड़ा सा समय होते थे 10 के बजाय 12 बजे तक का भी दिया जाए, 11 का दिया जाए, तो भीड़ भड़ाका कम रहे, और भीड़ भड़ाका वहाँ भी तो ज़्यादा होता है, कुछ भीड़ भड़ाके का ध्यान नहीं है सरकार के पास। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो टाइमिंग रखी है 7 बजे से 10 बजे, ये कोई उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं रखी है, ये इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रखी है, जिससे कि आप कम से कम अपने घर से बाहर निकल सकें, ये टाइमिंग इसलिए कम दी गई है जो आप बढ़ाने के लिए करें, अगर आप वो टाइमिंग बढ़ाते हैं तो आपके घर में रहने का कोई भी फायदा नहीं है। नहीं तो ऐसा तो होगा, घर में रह रहे ज्यादातर अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, बैठे अपने समय गुजार रहे हैं, गुजरना इसलिए उस बात को बताया गया। तो ये जो मोदी जी का ऐतिहासिक फैसला है देश हित में, ये इसका आप सहयोग करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, सहयोग है, ये करते रहेंगे, ये पब्लिक को बचाने के लिए उन्होंने सोचा है, ये कदम जो उठाया बहुत अच्छा उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने अपने लिए लेकर आया, ये जनता के लिए पब्लिक के लिए सोचा है, ये बहुत अच्छा सोचा है, इसमें कोई। तो अभी आपने देखा महेशपुरी कॉलोनी के लोगों के विचार बहुत ही अच्छे हैं इस भारत बंद को लेकर, और प्रधानमंत्री मोदी जी की और उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी की पूर्णतया सराहना कर रहे हैं। महेशपुरी में हमारी माता जी की एक समस्या है, आइए इनकी सुनते हैं। बहुत आदमी ऐसे हैं महेशपुरी में कि जो रोज लाते हैं खाते हैं, और जब रोटी मिलती है, जब काम ही बंद है तो कहाँ से खाएंगे, जो पैसा है 1000-2000 रुपए वे खा पी लिए, तो आगे तो जब काम खुलेगा करेंगे बच्चे मजदूरी जब ही तो खाएंगे,
माता जी खाने की बात कर रहे हैं, खाना तो हमको अभी तक तो मिल ही रहा है, खाना तो हमको मिल जाएगा, मगर ये जो मोदी जी ने एक देशहित में फैसला लिया है, उन्होंने अपने लिए नहीं लिया है। अगर कोरोना से आप पीड़ित हो जाएंगे, आपके साथ आपका पड़ोसी पीड़ित होगा, उसके साथ उसका पड़ोसी पीड़ित होगा, उससे उसमें आप खुश रहना चाहेंगे क्या? उसमें यू है क्या है, जब सबको ऐसा हो रहा, ये बच्चे जो है मोल लेके ये सभी सही ठीक ठाक रहे हैं, तो एक टाइम भूखे भी रह जाएंगे, वो भी ठीक है। अभी आपने बोला एक टाइम भूखे रह जाएंगे, ठीक रहेंगे, इसके लिए आपको अपने घरों में रहना होगा, इसके लिए आपको घर में ही रहना, इसलिए आपको सरकार का साथ देना पड़ेगा, थोड़ी दूरी पे रहना पड़ेगा एक दूसरे से, एक मीटर या दो मीटर, ऐसे ही हो रहा, यही काम हो रहा, ये तो ऐसा बच्चे का जीना लगता तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे आकर जान जाते, हमने तो घर में ही रहे। एक ये और बात है थोड़ी सी, समस्या ऐसी चल गई, नाजायज फायदा उठा रहे हैं दुकानदार बहुत से, जो 10 रुपए की चीज थी आज 20 रुपए 30 रुपए मिल रही है, ये वैसे पैसे की तंगी हो रही है या काम के रोजगार की तंगी है, और वो भाव जो पूरा दूना तिगना कर दिया गया, ये बड़ी कठिन है, इसमें दुकानदारों पर सख्ताई नहीं लगी है कि भाई इतना कैसा हम लोग कर रहे हो कि नाजायज फायदा उठा रहे हो, इसके ठाल के बैठने के वजह से भाई, और आज बहुत बड़ा देखिए आलू का भाव क्या बहन चो 200-300-400 रुपए का कट्टा था, आज 850-900 रुपए तक का कट्टा आलू का, तो नोट पे लग गए हैं, तो नोट पे लोग खाएंगे थोड़ा बहुत तो करेंगे फिर, और जैसे दुकानदार के कोई चीज 10 रुपए की और 30 रुपए की है, वो 40 रुपए 50 रुपए पाव कर रही सब्जी, 80 रुपए किलो तक की सब्जी चल रही है, तो फिर तो लोग इसकी भी सरकार ने आपको सहूलियत दे रखी है, हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको दे दूंगा, वरना सबके पास हेल्पलाइन नंबर है, आप इसकी शिकायत कर सकते हैं जो आपको सही दाम में सामान नहीं दे रहा है। ये बात ठीक है जी, तो ये तो डीएम के घोड़े दी जाएगी, डीएम साहब है, एडीएम साहब है, कप्तान साहब है, और हेल्पलाइन नंबर है जिनमें आप इनकी शिकायत कर सकते हैं। सही बात है, तो फिर ऐसी बात होगी तो ये ज्यादा बढ़ रही है, अगर आपको परेशानी है तो पहल भी आपको ही करनी पड़ेगी। सही बात है जी, हम ही करेंगे, जब ऐसी बात हम बताएंगे, अब तो जिस देखेंगे नाजायज फायदा उठा रहा है, जब 10 रुपए की चीज पुलिस में दे रहा है, तो उसकी पहल होनी चाहिए, सभी लोग मिलकर। जैसा कि अभी हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके देख रहे हैं, तो बहुत सी जगह हमें यही शिकायत मिली है कि 1 रुपए की चीज 1.5 रुपए में मिल रही है, 2 रुपए में मिल रही है, 10 रुपए की चीज 15 रुपए में मिल रही है, तो मैं चाहूंगा हमारे हापुड़ हलचल के माध्यम से सरकार इस पर कोई एक्शन ले। भारत बंद के दौरान आज हम श्रीनगर में हैं, जो एक फैमिली हमारे साथ है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपको इस भारत बंद के दौरान कोई समस्या या कोई परेशानी तो नहीं है? समस्या तो कुछ नहीं हो रही है, मगर मार्केट में इतनी हलचल है, उसके प्रति आपको रोक लगानी चाहिए। जैसे कि सब्जी वाले हैं, फल वाले, वीक में 3 डेज ही खोलना ओपन करना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 3 दिन में ही ओपन करना चाहिए? भैया ये सबकी सेफ्टी है, हमारी ही नहीं है, जो मोदी कह रहे हैं वो सबके लिए सही कह रहे हैं। तो जैसे कि आप कह रहे हैं 3 दिन में मार्केट ओपन होनी चाहिए, इसकी एक कोई मेन वजह तो बताइए, जिससे कि सरकार भी जान सके या प्रशासन भी चाहे कि भाई किस वजह से आप इस बैक्टीरिया आने का बॉर्डर रहता है, जैसे सब मिलके इकट्ठा ले रहे हैं, 10 मेंबर एक साथ इकट्ठे हैं, आपको क्या पता कि मेरी है या नहीं है, मैं तो आपको दिख रही हूँ कि सही हूँ, जरूरी कोई कि मैं सही हूँ। तो जैसा कि भारत बंद में आप सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम दिया हुआ है कोई भी सामान लेने के लिए, आप मार्केट जाते हैं या किसी दुकान पे जाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या उस दौरान हुई? समस्या तो कोई नहीं। आपकी कॉलोनी में नगर पालिका द्वारा सैनिटाइज किया गया है? यस, करा गया है, घर डोर टू डोर किया, डोर टू डोर कर रहे हैं, श्रीनगर किया है यार, क्या पढ़ो घर से किया है। तो आपको भारत बंद में आपका पूरा सहयोग है? बिल्कुल, पूरे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये भारत बंद 21 दिन के बाद और भी इसका टाइम पीरियड बढ़ता है, क्या आप उसमें सहयोग देंगे? बिल्कुल। तो कोरोना कोरोना की इस लड़ाई में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सब अपने अपने घरों में, सब डिस्टेंस बना के रखें, सब अपने अपने घरों में रहें, और जैसे सरकार कह रही है उसकी आज्ञा का पालन किया जाए। जैसा कि आपको पता है भारत बंद है और आप फिर भी सड़कों पर हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं जी छामने, बहुत छामने। कहाँ से आ रहे हैं आप? लालकुआ से। लालकुआ से आ रहे हैं? तो बस में आए, किस चीज में आए आप? पैदल आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। लालकुआ यहाँ से 40 किलोमीटर है, वहाँ से आप पैदल आ रहे हैं? पैदल ही आ रहे हैं जी।
तो अभी आप कब चले थे वहाँ से? वहाँ से चले थे 10:30 बजे। नहीं, 7 बजे चले थे सुबह। 10:30 बजे आप चले हैं। आपको पता है कल भी भारत बंद था, परसों भी लॉकडाउन था, तो आज ही आप क्यों चले हैं? खाना पीना जैसे हो रहा। तो आप क्या करते थे, क्या करते हैं गाजा? हम तो होटल पे काम करते हैं। होटल जब बंद है तो हम कहाँ जाएंगे? आप होटल मालिक से पूछिए ना। होटल मालिक का भी काम नहीं चल रहा तो हम कहाँ जाएंगे? होटल मालिक का साहब जब मना कर दिया भाई हमारे पास कुछ खाने के लिए, तो हमें कहाँ खाने देंगे? कहाँ रहते हैं आप? लाल कुआं पे। नहीं नहीं, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? हमने गाँव जा रहे हैं बैसापुर। बैसापुर कितनी दूर है यहाँ से? कितने किलोमीटर? कम से कम 25 किलोमीटर होगा। पैदल जाएंगे आप? पैदल जा रहे हैं। तो ये तो आपके मालिक को वहाँ पर आपका रहने सहने का इंतजाम करना था ना? मालिक खुद ऐसे चलने हमें क्या रखेंगे? बोला आपने मालिक से? हैं, बोला मालिक से? बोला था हमने भी, तो खुद अभी हमारे अमन उनसे क्या कहे, हमारी थोड़ी अमन शर्म उनसे क्या कहते हैं, वो खुद हमारे जैसे चलने का काम नहीं चल रहा। क्या टाइम चल रहे थे अभी उनने के कब तक देंगे आपको? 24 दिन हो गए। 24 तारीख को मतलब क्या खुलेगा? 14 तारीख को जब तक हम घर ही चले जाते, जेब में पैसे नहीं थे इतने पैदल चलते हैं। जैसा कि अभी आपने इन चार भाइयों को देखा, तो भारत बंद के दौरान कुछ लोग परेशान भी हैं, जिन लोगों की मजबूरी है, जैसा कि अभी लाल कुएं से पैदल चलकर आ रहे हैं और अभी इन्हें 20 किलोमीटर भैंसापुर अपने गाँव जाना है, जो कि इनकी मजबूरी है, ये मजबूरी में आए हैं, इनको अपने घर लौटना है। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग परेशानी में भी हैं। मैम, आपको किसी खाद्य सामग्री की या दवाई की किसी समस्या तो नहीं है भारत बंद के दौरान? जी, जब आप एक बार बताओ, काम वाम सब बंद करो, आगे मजदूर आदमी के खाएंगे कहाँ से? तो ऐसा किसी के पास है थोड़ी है, जो कमावे ऐसा सुबह कमावे शाम को घर खावे बच्चे, अब क्या खाएंगे? आप हमारे उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ सुविधाएं मांगना चाहते हैं? अरे, कुछ सुविधा दे ही ना रहे तो मांगेंगे क्या, बताओ आप? कुछ सुविधा मिलनी तो चाहिए। आप क्या क्या सुविधाएं मांगना चाहते हैं? बच्चों को राशन वासन कुछ साग सब्जी कुछ तो मंदा होना चाहिए, या कुछ घर में देना चाहिए किसी को। रेट पड़े हुए हैं तो सामान के, जैसे आप लेने गए हो? रेट तो बाजार में जावा तो सभी चीज के बढ़ रहे हैं। नहीं, जैसे पहले रेट थोड़ा कम थे, अब रेट क्या है? जैसे गलियों में भी दुकानें खुली हुई हैं, बाहर मार्केट में दुकानें खुली हुई हैं, सुबह से 7 बजे से 10 बजे तक का टाइम दिया हुआ है, उसके अनुसार आपको सामान किस रेटों में मिल रहा है? सामान तो 10-20 रुपए फालतू मिल रहा, कम तो मिल ही ना रहा। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बंद को लेकर ऐसा ऐलान किया है, कि आप इस ऐतिहासिक फैसले में उनके साथ हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल साथ हैं, और ये तो साथ देना भी पड़ेगा, इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है। लेकिन बस ये है कि जो इन्होंने ये 21 दिन का लॉकडाउन किया है, बस प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कुछ प्लानिंग के तहत अगर किया जाता, और जो इन्होंने प्लानिंग बताई है, अगर वो एग्जीक्यूशन उसका ठीक तरीके से होता तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता था। अभी क्या है कि जो जिनके पास में पैसा है, या फिर जो कोई गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो उनको तो इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो इससे मेन प्रॉब्लम क्रिएट हो भी रही है, वो उन लोगों को हो रही है जो गरीब लोग हैं, या मध्यम वर्गी लोग हैं, या जिनका अपना छोटा मोटा व्यवसाय है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। प्लस जो लोग आसपास में हैं, क्योंकि जो मेन मार्केट है वो तो सब बंद है, जो खुला हुआ है वो थोड़ी बहुत दुकानें हैं, तो अब तो थोड़ी बहुत दुकान खुलने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे फ्लैट की दुकान बेचा जा रहा है। अभी तक तो मास्क और सैनिटाइजर वगैरह ब्लैक से बिक रहे थे, लेकिन जो खाने पीने की जो जरूरतमंद की चीज़ें हैं, उन लोगों में उन चीज़ों में भी जो है प्राइस जो है महंगा करके उनको दिया जा रहा है। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद में जो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हम गरीबों के लिए जो है ये सारी चीज़ों को 1000 रुपये हम उसको करेंगे, फ्री में देंगे जो गरीब लोग हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई तो ठीक है, लेकिन सुनने के लिए ये चीज़ अच्छी हैं, लेकिन ये बेहतर तभी होगा जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो अभी तक तो हम जो देख पा रहे हैं, वो ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है कि जो उनका जो इन्होंने बताया है वो इम्प्लीमेंट हो रहा हो। काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं वो सारी ऐसी भी आई हैं जो गरीब लोग हैं, और ना तो उनके पास में यहाँ पे कोई रहने को घर है, ना ही कोई व्यवस्था है, लेकिन वो लोग भी सड़क पर ही घूम रहे हैं, और लखनऊ से या फिर दिल्ली से बिहार तक, या फिर अपने जो भी जिस गाँव से हैं वो वहाँ तक पैदल जा रहे हैं। तो ना तो उनको गवर्नमेंट कोई रहने की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, और ना ही कोई जो है खाने के लिए सामान दिया जा रहा है। तो बस यही है, लॉकडाउन जो है वो कुछ प्रतिशत जो है वो सही है, और जो भी उनका प्लानिंग इन्होंने बताया था वो ठीक है, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भी जो उन्होंने प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। हम इस समय हापुड़ की टीचर्स कॉलोनी में है, जहाँ पर हम यहाँ के लोगों से मिले, इनकी समस्याएं पूछी हैं कि भारत बंद को लेकर इनका क्या कहना है। भैया, भारत बंद के आप समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन, और यहाँ पर वैसे सभी ठीक चल रहा है, कोई घर से अपने बाहर भी नहीं निकल रहा, समर्थन चाहिए। और जैसे सामान की कुछ
व्यवस्था की गई है यहाँ पर जी सामान के लिए? वैसे ठेले वगैरह आ रहे हैं, थोड़ी कॉस्टली दे रहे हैं, जो ठेले पे चीजें बेच रहे हैं वो थोड़ी कॉस्टली दे रहे हैं, बाकी सभी चीजें ठीक है। भारत बंद को लेकर जैसे कि यहाँ पर कोई खाद सामग्री या फिर दवाइयों से कोई समस्या है? नहीं, दवाइयों से कोई वो नहीं है। और जैसे हमारे मोदी जी ने सोशल डिस्टेंस के लिए भी बोला है, यहाँ पर सभी लोग डिस्टेंस बनाए हुए हैं? जी बिल्कुल डिस्टेंस है, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा, सब अपने अपने कामों में लगे पड़े, अपने अपने घरों में। मैम अब भारत बंद के बारे में आपको क्या कहना है? क्या कहना, क्या पता हम महंगाई कर देंगे? मार्केट में सामान लेने गए थे, वहाँ पर किस रेट में आपको सामान मिल रहा है? आपका जो 250 का मिल रहा है वो 300 का दे रहे हैं। आप कहाँ पर गए थे सामान लेने? ये 250 जो आप बता रहे हो, 250 का सामान 300 में दे रहे हैं, कहाँ पर मिल रहा है? टीचर का लोन ही मिल रहा है, टीचर का लोन में सामान मिल रहा है 300 में। और चीनी में भी रेट बढ़ा दी, जो 40 की 42 की 45 की दे रहे हैं। भारत बंद के दौरान आपको कोई दिक्कत परेशानी या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ परेशानी नहीं है, ये सुविधा मोदी जी ने की है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी की है। बस थोड़ी सी परेशानी ये है, राशन पानी हमारे घर आ जाए तो कुछ परेशानी नहीं। वैसे आप इस भारत बंद के साथ हैं? साथ हैं, लगे बंदे हैं, बिल्कुल गारंटीज है। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, हम साथ हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। पर हमें यही थोड़ी सी परेशानी है, हम तो रोज का कमाने वाले, रोज का खाने वाले हैं, थोड़ा सा राशन पहुंच जाए तो हम हमारे मुश्किल हो। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार इस पर काम कर रही है, और जैसा कि गरीब लोगों के अकाउंट में खाते में 1000 रुपये भी ट्रांसफर कर रही है, तो आपका बैंक अकाउंट वगैरह है कुछ? तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें, उत्तर प्रदेश सरकार इस विषय पर काम कर रही है और आपकी इस परेशानी का हल भी जल्दी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जैसा कि अभी हमने देखा है गढ़ रोड पर, ये इनको कहा जाता है बावड़िये बोला जाता है, गोवलिये बोला जाता है, इनकी थोड़ी सी समस्या राशन को लेकर है, और जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, और मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे गरीब लोगों की सहायता करे। नई खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।